मॉर्निंग गाइस, अभी मॉर्निंग हो गया और हम ये देखे मौसम, देखे आज कैसा हो रखा है, बारिश। आप देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ये अद्विका देखिए नहा लिया है इसने, और ये प्रीशा ने भी नहा लिया है, और ये लोग क्या पी रहे हैं, सूप। आदु आदु से हाय। ये लोग मॉर्निंग में जल्दी ही नहा लिए हैं, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, ये लोग नहा लिए और ये लोग सूप पी रहे हैं। आदु को सूप कितना पसंद है, वो देखिए कैसे सूप पी रही है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, खुद ही पी रही है सूप। यमी आदु यमी, ओके। उसको सर्दी जुकाम हो रखा है ना, इसलिए स्पेशली उसके लिए सूप बनाया गया है। और यहाँ देखिए उसकी दीदी का, कल इनका इंग्लिश का एग्जाम है, आज ये डांस कर रही है। क्या देखिए कैसे नोज निकल रहा है उसका, ये देखिए आदु का नोज, देखिए देखिए जा, ये देखिए माय गॉड, ये देखिए कैसे कर रही है आदु, देखिए जहां जहां से हो सकता है उससे साफ वहां वहां से सवाल। आज देखिए मैं सुबह ये अरबी का पत्ती है उसी का पतौड़ बना रही हूँ, ये देखिए मैंने कुछ कुछ पतौड़ बना के रख लिया। ये जो है बेसन का घोल है, इसमें नमक मिर्च हल्दी ये सब डाल दिया मैंने, और उसी से ये पतौड़ तैयार किया है। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मैंने टेम्पररी उसको पतौड़ को ना थोड़ा भाप में उबलना है, तो इसमें मैं इसमें पानी थोड़ा रख दिया है और उसको उबलने के लिए छोड़ रखा है, इसमें ये स्टैंड रख दिया है कि जैसे ये ना टेम्पररी होने को, तो मोमोज वाले भी है ना हमारे पास, मगर उसके लिए पूरा उसको धोना धाना, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट इसी में कर दिया। देखिए इस टाइप से उबलने लग गया है, तो अब मैं इसमें इसको इस टाइप से सेट कर दूंगी और इसको इस भाप में होने दूंगी। अद्विका वेट कर रही है कि कब मम्मी मौसमी का जूस निकालू और वो पिए। अब मैं जो है ये मौसमी का जूस निकाल रही हूँ, ये इजी हो जाता है, धोने में भी इजी है इससे, तो मैं इसी से फटाफट करके निकाल देती हूँ जूस। इन लोगों को बहुत पसंद भी है अद्विका प्रीशा को मौसमी का जूस। उस मौसमी का देखिए मैंने जो जूस निकाला था उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि किसी को प्योर भी नहीं पीना चाहिए कहते हैं मम्मी, मेरी माँ बोलती है ऐसा, और ये थोड़ा सा काला नमक डाल दिया मैंने इसमें। अद्दू को जूस दे दिया है, हाँ गिलास, अब देखो इसको कैसा लगता है दूध जूस, देखो अद्दू पियो कैसा लग रहा है, पीछा स्कूल गए, स्कूल से आके पी, कैसा लग रहा है आपको बेटा, दिखाओ बेटा कितना पिया। गाइस देखिए अद्दू ने फिनिश कर दिया, दिखाओ, ये देखिए गाइस आदू ने फिनिश कर लिया वो हट। इसी के साथ मैंने देखिए कद्दू का सब्जी भी तैयार कर लिया, ये कद्दू की सब्जी भी तैयार हो गई है, ये पम्पकिन की सब्जी है बेटा पम्पकिन, और मैं पतौड़ का वो बॉईल करके रख दिया, वो मैं कभी भी फ्राई कर लूंगी चलेगा। प्रीशा और अद्विका देखिए कितने अच्छे से लंच खा रहे हैं, मैंने जो है ना राइस को ही फ्राई कर दिया है, और राइस को फ्राई करके उसमें पम्पकिन डाल दिया है, ये लोग पम्पकिन खा लेते हैं, देख रहे हैं कितने अच्छे से कर। और मैंने अपने लिए जो है रोटी बनाया है और कर्ड विथ शुगर एंड पम्पकिन की सब्जी, हाँ दिस वन इज पम्पकिन, देखिए देखिए कैसे खा रही है अद्दू, खाओ खाओ जल्दी खाओ खाओ खाओ, सब देख रहे हैं आपको, वेरी गुड, ये अद्दू हाई फाइव, ये देखा कैसे खाया प्रीशा अद्दू ने पम्पकिन, और इसी के साथ प्रीशा ने भी पम्पकिन खाया। आज देखिए गाइस आज मैं बनाई रसमलाई, इसमें मैंने डाला है पानी, मैंने लगभग इसमें अगर एक कटोरा पानी डाला है, एक कटोरा चीनी डाला है, तो आप इसमें दो कटोरा पानी डालेंगे, और ये मेरा है लगभग 150 ग्राम लगभग पनीर होगा, ये मैंने घर पे ही फाड़ा है, कहने मतलब 2 लीटर दूध का। अब इसको हम पानी को बॉइल कर लेंगे, ये मैंने बिल्कुल फ्रेश आज ही बनाया है मलाई दूध का, और इसको मैं ना मिक्सी में चला दूंगी कि इसमें जो ये दाने दिख रहे हैं ना ये बिल्कुल ना रहे, और बिल्कुल सॉफ्ट ऑयल निकलने जैसा हो जाएगा इसकी में।
देखिए हमारा पानी जो है ना, मैंने चीनी डाला था जिसमें, वो बॉईल कर गया है। ओ, पनीर था उसमें, मैंने एक आधा स्पून जो है मैदा डाला और ये सब सर्कल कर लिया उसको। अब इसको बॉईल पानी में हम डाल, मैंने जितने पनीर के गोले बनाए थे वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसको 15 मिनट तक बॉईल होने देंगे अच्छी तरीके से। ये लगभग मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसमें मैं कुछ जो है केसर डाल दिया है मैंने, इससे इसमें अच्छा कलर आएगा और इसको हम बॉईल कर लेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। देखिए मैंने जितना इसको डाला था ना, ये देखिए फूल गए हैं, बिल्कुल वाइट, और देखिए कैसे फूल रहे हैं। इसी के साथ देखिए गाइस, ये मेरा रसमलाई तैयार हो गया है और देखिए कैसे इसमें सैफरन भी दिख रहा होगा आपको, केसर है, ये काजू बादाम ये सब दिख रहा है। ये अब ये आप देखिए कितना सॉफ्ट, ये मैं एक बच्चों के लिए मैं कर रखा है, ये देखिए ये जाली नुमा बना हुआ है, बहुत सॉफ्ट है, दिखाते हैं। देखिए अभी देखिए हम अद्विका को खिला के आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसमें स्वीट भी ना हमने उसी हिसाब से डाला है, पीछे आ दो, कैसा बना है बताओ मम्मा का, यम्मी हाँ कैसा बना है, अच्छा यम्मी। इसके साथ हम यहाँ आए तो देखें प्रीशा काम कर रही है क्योंकि कल इसका ईवीएस का एग्जाम है और मैंने इसको थोड़े क्वेश्चंस दिए थे और वही उतार रही है। अब मैं प्रीशा को भी खिलाऊंगी क्योंकि इसने भी बहुत काम किया है। आइए प्रीशा जरा देखिए रसमलाई कैसा बना है। ओह माय गॉड, इसने तो गपाक से पूरा डाल दिया मुंह में, देखिए पूरा एक पूरा डाले। ओह माय गॉड, कैसा बना दू, कैसे बना है, हल्का ऑटो ऑटो पूरा मुंह डाले ऑटो ऑटो कर दिया। प्रीशा कैसा बना बताओ मम्मी को, अच्छा यम्मी, हाँ। पसंद आया आपको, हाँ। ओके। शाम को मेरी एक फ्रेंड है कविता, उसका बर्थडे है तो इसीलिए हम उसको विश करने आए हैं। अब बच्चे देखिए मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद है और इसीलिए उन लोगों ने कहा था आंटी आप पिज्जा मंगा दीजिए, तो कविता ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है। अच्छा कविता तैयार हो गई, हाँ। बर्थडे गर्ल तैयार हो गई है, हाँ, हो गई। क्या कहा, कहते हैं शानवी बर्थडे गर्ल भी तैयार हो गई, उनकी बेटी भी तैयार हो गई। ओ किस किस को कौन खा रहा है बच्चों, किसके को कौन आ रहा है, आ जाओ अपना प्लेट लेके आओ। बेबी कौन क्यों नहीं आया, अच्छा ये दूसरा वाला कौन समझ रही थी शायद, ये आया दूसरा वाला, बेबी कौन ने मिर्ची था ना, इसलिए नहीं बोला, बेबी कौन ने मिर्ची अच्छा लगता है, खाने में मिर्ची अच्छा नहीं लगता, लाल मिर्च और काला मिर्च सब कुछ, आ जाओ अद्दू आ जाओ। रात कविता का केक कटिंग का तैयारी चल रहा है, यहाँ केक कटिंग है, लड़ाई चल रही है महाभारत, अरे इसको खाने में दो, शामी के मुंह में खेलना खुद ही चला रहा था, बस उतना ही रहता है। हमारा फोटो ले लेना प्रीशा, चांदी किमाया किमाया नानी को भी खिला दो। कटिंग हुई फिर हमने थोड़ा पार्टी किया और फिर हम घर निकल गए। आज देखिए प्रीशा और अद्विका पापा के साथ मस्ती कर रहे हैं, पापा को क्या बना दिया इन्होंने, क्या बनाया अदू, अदू नहीं बनाया वो नहीं, पीछे के चाहिए अदू, पापा को क्या बनाया ये हॉर्स, हॉर्स हॉर्स
कविता के यहाँ से आने के बाद भी ये लोग पूरी मस्ती के मूड में हैं और उन्होंने पापा को घोड़ा बना दिया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।